देखो अब कैसे तुम्हारे अस्थियों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दूंगा मैं। अगर जी आप जाओगी तो आप भी फंस जाओगी। अपने लल्ला के लिए मैं किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार हूँ। छोड़ो ना यशोदा, हमें कोई और उपाय खोजना पड़ेगा। कोई और उपाय? आप देख ना रही मेरा काना किस दशा में है। काना मैया के वश में नहीं है, नहीं तो ये अपने लल्ला के लिए साक्षात काल का भी सामना कर ले। ये तो केवल कालिया नाग है। हे नागराज, आप मेरे प्राण ले लो पर काना को छोड़ दो। ना नागराज, आप मेरे प्राण ले लो, मैं विरोध भी ना करूंगी। ना नागराज, आप मुझे मार दो पर मेरे काना को छोड़ दो। नाना, नाना, नागराज, मेरे प्राण ले लो, हमारे काना से क्या सकता है आपकी? प्रभु के लिए जो प्रेम यशोदा मैया के हृदय में है, वही इन सभी गोपियों के हृदय में भी है। यशोदा, यशोदा, देखो इन गोप गोपियों को, इन गैयाओं को, इन सब के मन में भी तुम्हारी भांति ही ममता भरी हुई। वो सब भी काना से उतना ही प्रेम और स्नेह करती हैं, उतनी ही ममता से भरी हुई हैं जितनी कि तुम। तो तुम ही सोचो, जिसके साथ इतनी ममता और इतना स्नेह, इतना प्रेम, उसका कोई क्या कर सकता है? उस काले नाग का वेश इस सब आशीर्वादों के सामने कछु ना है। कछु करो जी। उसे बोलो वो मेरे प्राण ले ले, मेरे काना को छोड़ दे। यशोदा। केवल इन्हीं में नहीं देवराज, नाग पत्नियों के हृदय में भी ममता का वही प्रेम उमड़ रहा है। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ स्वामी, इस बालक को छोड़ दीजिए। ये अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है स्वामी। हम आपसे विनती करते हैं स्वामी, इस नन्हे बालक को हानि मत पहुंचाइए स्वामी। मेरी पत्नियां मेरे ही शत्रु के लिए विनती कर रही हैं। अब यदि इसके पक्ष में एक शब्द भी कहा तुम सबने, तो मैं इस बालक से पहले तुम सबके प्राण ले लूंगा। हो रहा प्रसन्न नाग कालिया, विजय को निश्चित जान। रोते बिलखते व्याकुल सब, संकट में देख कान्हा के प्राण। मेरे लल्ला को बचा लो, कोई तो कुछ करो। चिची संभालो यशोदा। यशोदा, यशोदा तुम शांत हो जाओ, मैं काना को वापस लेकर आऊंगा, मैं रक्षा करूंगा उसकी। नंदराज काना।
नंदराज नहीं, कम से कम आप तो समझो नंदराज, कालिया के पास आप जाओगे तो आप भी फंस जाओगे। बलराम, तेरा भाई इतनी भीषण संकट में है और तुझे जरा भी दुख ना हो रहा? क्या आप सब अब तक नहीं समझ पाए काना सच में कौन है? छोटे बाबा, आप तो उसका सत्य जानते हैं ना? मानता हूँ कि आप सब काना के रहस्य के बारे में नहीं जानते, पर क्या उसके जन्म से आज तक घटी एक से बढ़कर एक विचित्र घटनाओं को भी भूल गए हैं आप सब? भूल गए हैं कि कैसी पूतना जैसी राक्षसी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, कैसे तृणावती जैसा भयानक राक्षस उसे एक खरोच भी नहीं दे पाया था? आप सबने अपनी आंखों से देखा था ना, बकासुर से काना की रक्षा करने देवता स्वयं आए थे, पर सत्य तो ये है कि वह सभी देवता भी उस असुर के सामने असमर्थ हो गए थे। तब काना ने बहुत ही आसानी से उस भयंकर असुर का वध किया था, एक ही बार में धराशायी कर दिया था उसे। तो आप सभी सोचिए, बार बार ऐसे असाधारण कार्य करने वाला बालक साधारण कैसे हो सकता है? अब तो आरंभ से ही सारा सत्य जानते हैं छोटे बाबा। रहस्य छुपाने में सदैव काला की सहायता करते आए आप, और आज आप स्वयं ही उसके सत्य को भूल रहे हैं। और तुम सब भी तो जानते हो काना के शक्तियों के बारे में, तो क्या तनिक भी विश्वास ना आया अपने सखा पे? बलराम, जे तू क्या कह रहे है? मैंने जो कहा उसका एक एक शब्द सत्य है छोटी माँ। यदि प्रभु की इच्छा हुई तभी खुशी क्षणों में सब कुछ अपनी आंखों से स्वयं अनुभव कर लेंगे आप। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी वीरध्यानगम्यम। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मुझे क्या लगता है बालक कि तू मेरी जकड़ से निकल गया तो अब बच जाएगा तू? मेरे विष से अपनी प्राण रक्षा करने में सफल रहा, मेरी जकड़ से भी छूट गया, पर मेरे दंश से नहीं बच पाएगा। अब भय से भाग रहा है, पर मैं तुझे मृत्यु देकर रहूंगा। काना!
नन्हा सा काना कितनी देर भाग पाएगा? और कितनी प्रतीक्षा करोगे मेरी भक्त कालिया? भक्त भक्त नहीं, काल हूँ मैं तेरा। जब भयंकर का मुखोद बुद्धि को ढक लेता है तो भक्त अपने भगवान को भी नहीं पहचान पाता। व्यर्थ की पहेली में मत उलझा बालक, ना मैं भक्त हूँ और ना तू भगवान। बन गया है और यमुना जी के जल में फैल चुके विष के प्रभाव को भी नष्ट कर रहा है। धर्म रक्षक अधर्म विनाशक प्रभु श्री कृष्ण का कौशल सचमुच अद्वितीय है। नारायण नारायण। मेरा भार तुम्हारे भीतर के अहंकार का प्रतीक है कालिया, अब तुम्हारा अहंकार तुम्हारा अपमान मेरे पाँव के नीचे है और तुम्हारी पूछ अर्थात तुम्हारे प्राण मेरे हाथ में। अब तुम क्या करोगे भग? प्रभु, भले ये आपको पहचानने में असमर्थ हो पर हम सब ने आपको पहचान लिया है। हाँ प्रभु, एक भक्त होने के नाते और एक अर्धांगनी और माँ होने के नाते मैं आपसे इनके प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ। अपनी कृपा दिखाइए और इन्हें क्षमा कर दीजिए। आपके लिए मित्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं प्रभु, उसी तरह आपकी कृपा और दंड में भी कोई अंतर नहीं। दोनों दया ही तो हैं, अकारण ही किसी को प्राप्त नहीं होती।
हमें विश्वास है कि हमारे पति को मिला ये दंड कोई अभिशाप नहीं है, आपका वरदान है। ये सत्य है प्रभु कि इनसे बहुत से पाप हुए हैं, इनके विष से बहुत सारे जीव जंतु को हानि पहुंची है, पर अब आपके चरण इनके शीश पर पड़ गए हैं। ऐसी कृपा तो बड़े बड़े महान महात्माओं को भी दुर्लभ है, और इन्हें प्राप्त हुआ तो अवश्य ही ये किसी महान पुण्य का ही फल है। हे प्रभु, उन्हीं पुण्य कर्मों की शक्ति का आह्वान कर मैं आपसे विनती करती हूँ, इन्हें प्राण दान दीजिए। मैं अपने इस भक्त को क्षमा अवश्य करूँगा देवियों, यदि ये अपने अहंकार को त्याग कर मुझे पहचान ले तो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जितनी विषैली तुम्हारी जिभ्या है उतने ही विषैले सर्प बन जाओ तुम। नारायण, मुझे क्षमा कीजिए नारायण, मैं तो आपका परम भक्त था, किंतु मैं आपको पहचान नहीं सका। इसका दंड तो मुझे मिलना ही था, किंतु मैं अब प्रायश्चित करना चाहता हूं। इसके लिए यदि आप मेरे प्राण भी ले लेंगे तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं अपना जीवन, मृत्यु और अपना अस्तित्व सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। तुम्हें तुम्हारे क्रोध के कारण श्राप मिला, जिसे विशाल शेप के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ, और स्वर्ग का तो स्वभाव है विष फैलाना, इसीलिए तुम्हें दंड नहीं दूंगा मैं। शेष सभी अपराधों का पश्चाताप कर लिया, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया। पर तुम्हें ऐसे दूर समुद्र के बीच जाकर रहना होगा, जा किसी निर्दोष का जीवन तुम्हारे विष से प्रभावित ना हो। मैं चाहकर भी आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूँ प्रभु, क्योंकि यदि मैं इस क्षेत्र को छोड़कर गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। आपसे क्या छुपा है प्रभु, आप तो जानते हैं कि सर्प जाति और आपके वाहन गरुड़ के बीच अनंत शत्रुता चल रही है, जिसका प्रारंभ नागों के द्वीप नागालय से हुआ था। उस द्वीप पर छोटे जीवों को निगल जाने के लिए सर्प थे, और गरुड़ को सर्पों का स्वाद बहुत प्रिय था, इसलिए वो बार बार नाग द्वीप जाने लगा था, पर इस कारण पूरी सर्प जाति उससे आतंकित हो गई थी। इसलिए जब भी गरुड़ वहाँ पहुँचता तो सभी सर्प छिपने लगते। जब गरुड़ को इसका आभास हुआ तो उसे बड़ा क्रोध आया, और वो उत्तेजना में भरकर सर्पों का शिकार करने लगा, भूख ना होने पर भी उन्हें मारने लगा। अब सर्पों के प्राण हरना उसके लिए खेल बन गया था। इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पूरी सर्प जाति महान सर्प वासुकी के सामने इकट्ठी हुई। हे महान वासुकी, हमारी सहायता कीजिए। नागद्वीप पर गरुड़ ने आतंक मचा दिया है, पहले तो वो हमें अपना भोजन बनाता था, लेकिन अब हम उसके खेल का साधन बन चुके हैं। भूख हो या ना हो, जब तब आकर वो हमारे प्राण हर लेता है। अनुचित हिंसा के इस प्रथा का आरंभ सर्पों ने ही किया है। पहले आप सबने पूरे द्वीप पर अधिकार कर लिया, फिर आहार के साथ साथ आनंद के लिए भी आप सभी ने निर्दोष जीवों की हत्या की, और जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए गरुड़ आपको अपना आहार बनाने आया तो आप सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिपने लगे, तो फिर गरुड़ का उत्तेजित होना तो स्वाभाविक ही था। नागनाथ, जो हमने अन्य जीवों के साथ किया वही अब हमारे साथ हो रहा है, परंतु ये भी तो सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध ही है ना? अवश्य है, इसलिए मैं गरुड़ से चर्चा करूंगा। धन्यवाद प्रभु। श्री नारायण के वाहन पक्षीराज गरुड़,
मैं संपूर्ण सर्प जाति की ओर से आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हे पक्षीराज, यदि आप हम पर ऐसे ही आक्रमण करते रहे तो शीघ्र ही हमारी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हमारी आपसे विनती है, यदि आप उचित समझें तो सर्पों के किसी एक घर से हम आपको एक सर्प प्रतिदिन अर्पित करेंगे। आप उसको आहार बनाइए और अन्य सर्पों को जीवित रहने का अधिकार दीजिए। मुझे स्वीकार है। तब से प्रतिदिन किसी एक घर से एक सर्प गरुड़ के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। समय के साथ मेरे घर की भी बारी आई, परंतु मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। समय आ गया है स्वामी, आज गरुड़ के आहार के लिए इसे चुना गया है। कौन है यह गरुड़ और क्यों दूं मैं इसे कोई भेंट? स्वामी, सभी सर्प राज्यों और गरुड़ के बीच में यही समझौता हुआ है, हमें इसका सम्मान करना ही होगा। मैंने कोई समझौता नहीं किया, मैंने कोई वचन नहीं दिया और ना ही मैं किसी गरुड़ से भयभीत होता हूँ। यदि इस राज्य में किसी को सर्पों को अपना आहार बनाने का अधिकार है तो वो केवल मुझे है। अब से गरुड़ को दी जाने वाली हर भेंट मुझे दी जाएगी, महाविषधारी महान नागराज कालिया को। यह और कुछ नहीं, मेरा अभिमान था प्रभु, और ये मेरे इस जन्म की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि फिर जब गरुड़ को इस बारे में पता चला तो। कालिया, अभिमान में आकर तूने अपने काल को ललकारा है। जिस कालिया के नाम में ही काल छिपा है, तू उसे ललकारने का दुस्साहस कर रहा है। गरुड़ स्वयं को भगवान विष्णु का वाहन कहता है, तो वाहन का ही कर्म कर। स्मरण रख, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के लिए भी मैं मृत्यु का दूत हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जैसे मूर्ख सदा इस युक्ति को सार्थक करते आए हैं, अपने विनाश को आमंत्रण किया है, तो अब भोग। जिसने मेरा भोजन चुराने की धृष्टता की है वो इसी योग्य है। तू मुझे जानता नहीं है गरुड़, मैं महाविषधारी नाग कालिया हूँ। तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मुझ पर चरण से प्रहार किया। मैं अपने अभिमान में भूल गया था कि गरुड़ मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान भागने लगा। नदियां, पर्वत, यहां तक कि मैंने सागर भी लांघ डाला, पर मैं जहां भी जाता गरुड़ के रूप में मेरा काल वहीं आ जाता। इसीलिए मृत्यु की आशंका से भयभीत होकर मैं अपने बड़े भाई माँ कद्रु के प्रथम पुत्र अनंत शेष नाग से राय लेने चला गया। भैया, मैं यहां आपसे आपकी सहायता लेने आया हूं। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण यह गरुड़ मेरा पीछा कर रहा है, मुझे हर समय हर स्थान पर ढूंढते रहता है। यदि उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो निश्चित ही मेरे प्राण ले लेगा। मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं अपनी पत्नी और अपने संतानों के साथ शांति से रह सकूं। तुम यमुना नदी के किनारे वृंदावन क्षेत्र में जाके वास करो कालिया, गरुड़ वहां प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसे ऋषि सोबरी का श्राप मिला हुआ है। ध्यान और तपस्या का नित्य कर्म करते हुए ऋषि के मन में मछलियों के प्रति प्रेम भाव इतना बढ़ गया कि वो भूल गए सभी जीव खाद्य श्रृंखला का भाग होते हैं, और मछलियां भी इस नियम की अपवाद नहीं है। उन्हें मछलियों की अटखेली इतनी अच्छी लगने लगी कि वो इस क्षेत्र के मछुआरों को भी मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देते थे। ओ
दिन वो उस पक्षी को नहीं रोक पाए, पर तब से सावधान रहने लगे। यहां तक कि अपने साधना से भी अधिक ध्यान वो पक्षियों पर केंद्रित करने लगे। ठहरो, इसी क्षण अपनी चोंच में पकड़ी इस मछली को छोड़ दो। तुम्हें इन मछलियों का आहार नहीं करना चाहिए पक्षी राज। ये तो खाद्य श्रृंखला का नियम है ऋषिवर, यदि मैं इनका आहार नहीं करूंगा तो कोई और पक्षी कर लेगा। मैं अपने आनंद या प्रतिशोध के लिए इनके प्राण नहीं ले रहा, ये तो बस मेरा भोजन है। पर ये मेरा तपस्या स्थल है, तुम यहाँ शिकार करके मेरी साधना में विघ्न नहीं डाल सकते पक्षीराज। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। पर आज ये मछली मेरे आहार के रूप में पकड़ी जा चुकी है, मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, इस स्थान पर ये मेरा अंतिम शिकार होगा। आज के बाद यदि तुमने वृंदावन की निकट उड़ान भी भरी तो तुम सैकड़ों टुकड़ों में फटकर मारे जाओगे पक्षीराज, ये मेरा श्राप है। और इसीलिए भैया शेषनाग के सुझाव के अनुसार मैं यहां आ गया, पर अब यदि मैं कहीं और जाऊंगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे प्रभु। निश्चिंत रहो कालिया, अब से गरुड़ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अब तुम्हारे फनों पर मेरी पक्षी बन गए कालिया, इसीलिए अब से तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ गहरे समुद्र में चले जाओ और सुख से शांति से निवास करो, पर ध्यान रहे निर्दोष जीवों को हानि ना पहुंचे। आपने मुझे जीवन दान दे दिया प्रभु, इस उपकार से मैं कृतज्ञ हूँ प्रभु, आदेश दीजिए मैं आपकी सेवा कैसे करूँ। तुम्हारे जल क्षेत्र से एक कोटि कमल पुष्पों को लेने की अनुमति दे दो कालिया, यह मेरी सेवा होगी। प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य होगा। एक कोटि के स्थान पर हम 3 कोटि कमल पुष्प ले आए प्रभु। मैं तुम्हारी सेवा भाव से प्रसन्न हुआ कालिया, रमनक द्वीप पर चले जाओ ताकि तुम्हारे कारण फिर कभी किसी निर्दोष जीव को हानि ना पहुंचे और ना ही तुम्हारा विष मेरे प्रिय यमुना नदी के जल को दूषित कर पाए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अच्छा मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए इस आदेश का स्मरण जो भी भक्त करेगा और प्रातः काल और संध्या काल में इसका उच्चारण करेगा उसे फिर कभी किसी संकट से कोई भय नहीं होगा। ये स्थान अब से कालाकुंड के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर स्नान करने वाला और देवताओं को इस क्षेत्र से जल का अधर देकर प्रसन्न करने वाला भाग यदि मेरा स्मरण करके पा सकेगा तो वो अपने सभी पापों से शीघ्र मुक्त हो जाएगा। कौन है जी भगवान जिसने अभी अभी कालिया जैसे विशाल विस्तर का सामना किया? क्या एक साधारण बालक जो सीत की अधिकता से ठिठुर रहा है? क्या करूं, मैं लल्ला को ममता के आंचल में छुपा लूं या भक्त बनकर प्रभु की लीला देखती रहूं? क्या करूं मैं? कितना ठंडा था जल, बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी से तड़पते हुए कैसे देखूं इसे, अभी जाके अपने पल्लू से सुखाती हूँ, हृदय से लगा के स्नेह की आंच दूंगी तो सर्दी पल भर में छूमन कर हो जाएगी। मेरे नाम है
मेरी आवश्यकता ना है इसे। जे तो सच्ची में भगवान ही है, जिसकी ठंड दूर करने के लिए स्वयं द्वादश आदित्य प्रकट हो गए। मैया मुझे अपने हृदय से लगाने वाली थी कि आप सब प्रकट हो गए। क्षमा कीजिए प्रभु, पर आपको भीगा हुआ देखकर, ठंड से ठिठुरता हुआ देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम अपने वश में नहीं थे प्रभु, भक्ति से भावुक होकर हम प्रकट होने पर विवश हो गए थे। हमारी किरणें जैसे स्वयं ही फूट पड़ी और दौड़ पड़ी आपको सुखाने के लिए। मैं आपका प्रेम, आपकी भक्ति समझता हूं आदित्यगण, और इसीलिए इस समय मैं जहां खड़ा हूं, इस स्थान को द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा। द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा। हम धन्य हो गए प्रभु। जो गड़बड़ किया उसे सुधारिए तो सही। प्रभु आज्ञा दीजिए। अपना दाब इतना अधिक बढ़ा दीजिए कि मुझे स्वेद आने लगे, ताकि मैया मुझे स्वेद में लीला देख के और भूल जाए कि मैं भगवान हूँ, और मैया मुझे अपनी गोद में उठा के ले जाए। स्वेद की एक बूंद भी आती थी तो मैं अपना आंचल लेकर पहुंच जाती थी इसके पास। जानती ही नहीं थी कि चेतु स्वयं वायुदेव को आदेश दे सकते हैं कि वो बहने लगे और उसका सारा स्वेद सुखा दे। वायुदेव की आवश्यकता नहीं है मैया, मुझे आप भी चाहिए। लगता है जिस बात का है था वही सत्य होने लगी है। भैया मेरे भगवान रूप को भूल नहीं पाएगी और अब मेरे लिए इनको सत्य छुपा कर रख पाना कठिन हो जाएगा। प्रभु, आपके श्वेत से बने इस प्रसंगदान सरोवर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओहो, इस चमत्कार को देखकर भैया को और भी अधिक विश्वास हो जाएगा कि मैं भगवान ही हूँ। अब कैसे मनाऊं मैया को कि मैं इनका लाई हूँ, बाबा है ना? अब तो यही सहायता करेंगे। मैंने तो 3 कोटि कमल पुष्पों का प्रबंध कर दिया है और चिंता करने की आवश्यकता ना है। 1 कोटि कमल के स्थान पर 3 कोटि कमल पुष्प मिल गए हैं। हाँ कान्हा,
मैं उचित संदेश के साथ जिस सारे पुष्प उस कंस के पास भिजवा दो। महाप्रक्रमी कान्हा की जय। वृंदावन रक्षक कान्हा की जय। महाप्रक्रमी कान्हा की जय। भानु जी नंदराज, बाकी गांव वालों को लेकर ये सारे पुष्प इकट्ठा करो और कंस के दरबार में पहुंचाओ। जी। मैया, कौन हो तुम? मुझे पता था मैया, जब आपको सत्य पता चलेगा तो आप मुझे मैया की तरह स्नेह ना कर पाऊंगी, इसलिए आज तक सत्य छुपा तो आयो हूँ, ताकि आपकी ममता, आपका प्रेम अनुभव करने का अवसर मिलता हुआ है मुझे। और फिर आज को बताया था ना, जो रहस्य तुमने बरसों तक छिपाया था उसका भेद खुलने में तुम्हारा ही योगदान है। मुझे कालिया के शीश पर अपने पद चिन्ह रखकर उसे मुक्त कराना था दाऊ, वचन दिया था मैंने उसे। इसके अतिरिक्त निर्दोष पशु पक्षियों के जीवन को कालिया के विष से ही बचाना था मुझे, इसमें कंस को तो सम्मिलित करना ही था, ताकि जब मैं कालिया का सामना कर रहा हूँ तो वो किसी और असुर को समस्या बनाकर वृंदावन ना भेज दे। पर इस सबसे बड़ा एक कारण और था दाऊ, मैं चाहता था कि मैया को सत्य पता चल जाए। पर क्यों कहना? क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैया से ये रहस्य छुपाकर इनके साथ धोखा कर रहा हूँ, अपराध बोझ से दबा जा रहा था मैं। जो सत्य आपको, बाबा को, सभी को पता है, यहाँ तक कि मेरे सखा भी जानते हैं, वो सत्य मैंने मैया से छिपाया केवल इसी लोग में कि मुझे इनकी ममता प्राप्त होती रहे। पर ऐसा करके मैं अपने से निस्वार्थ प्रेम करने वाली मैया को धोखा दे रहा था। आप ही बताओ दाऊ, जो इस संसार में मुझसे सबसे अधिक भरोसा करते है उसी के साथ छल कैसे कर सकता हूँ मैं? हाँ, मैं नारायण का अवतार हूँ, पर अपनी मैया का छोटा सा लल्ला भी तो हूँ। इसीलिए तो यमुना जी में छनाल लगाने का एक कारण इस गेंद को लेने जाना भी था। ने स्नेह से बनाई थी मैया ने गेंद, इसे अपने से दूर कैसे होने देता मैं? आपको आभास भी ना है मैया कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण। ये सत्य है कि सभी देवता, प्रकृति, भक्त, ये सब है मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए। पर क्या इनमें से कोई भी मेरी मैया का स्थान ले सकता है? और आप भी तो यही चाहती थी कि मैं आपका लल्ला बन के आऊं, कि मैं आपका लल्ला बन के आऊं, कि मैं आपका लल्ला बन के आऊं। आज जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीघ्र ही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल जाए? मैया, नारायण का अवतार हूँ ना, क्या इतनी बड़ी समस्या है कि आप हृदय से बिरा लगा सकते? मैया, मेरा कान्हा, मेरा लल्ला, मैया,
सच्चे सत्य है कि जो जानने के बाद कि तू दूसरी नारायण का अवतार है, मैं तुझे भगवान की तरह ही देख पाऊंगी, पर मेरे हृदय की जो ममता है ना, वो भक्त से कहीं अधिक है लल्ला। फिर चाहे तू साधारण बालक हो या श्री नारायण का अवतार, तू सदैव ही मेरा लल्ला है, मेरा लल्ला था और सदैव ही रहेगो। यशोमति मैया का नंदलाला, यशोमति मैया का नंदलाला। वृंदावन से पत्र आया है महाराज, विनती की गई है कि इसे आपके सामने पढ़ा जाए। पढ़ो। शीघ्र करो। महाराज कंस, पूजा के लिए आपको 1 कोटि कमल पुष्पों की आवश्यकता थी। वृंदावन वासियों की ओर से मैं आपको 3 कोटि पुष्पों की भेंट भेज रहे हूँ। कृपया अतिरिक्त पुष्पों को अपनी गोप प्रजा की विनम्र श्रद्धांजलि समझकर स्वीकार करो महाराज। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि जैसे ही मेरा पुत्र कृष्ण कालिया नाग के सामने पहुंचो, वो महाभयंकर नाग भी आपके भय से कांप उठा और स्वयं ही जे सभी पुष्प हमारे द्वार पे पहुंचा गए। यदि आपको अब भी आवश्यकता हो तो और भी पुष्पों का प्रबंध किया जा सकता है। आपका विनित गोप राज नंद। हमारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है विष्णु अवतार। यशोमती मैया का नंदलाला। पत्र में लिखा है महाराज, उसे इसी नाम से बुलाया जाना प्रिय है। जैसे आपने कही वैसे ही करो। हमने कंस के राजभवन को पुष्प से भर दियो है। मुझे तो ऐसा लग रही है इतने पुष्प देख के कंस को चक्कर आ जाएंगे। आपका पत्र पढ़ के उसे जे समझ में आगा होगो कि वृंदावन वासियों से उलझना ठीक ना है उसके लिए। वैसे ही हमारे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करने के लिए है ना। सूर्यास्त होने वालों है, हमें अब घर चलना चाहिए। मुझे बहुत थकान लग रही है नंदराज। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। नंदराज, कमल पुष्पों को गाड़ी में लादकर मथुरा पहुंचाने में अब हम भी बहुत थक गए। तो आप सब लोग रात्रि को यहाँ रुकना चाहते? वैसे सुझाव तो अच्छा है नंदराज। अब कालिया नाग के स्थान से जाने के बाद प्रकृति कितनी खिल उठी है, क्यों यशोदा जी? सब सामान्य है, जान के भी कि कान्हा भगवान नारायण का अवतार है, किसी को कोई अंतर ही ना पड़ रहा है। तो फिर मेरा मन क्यों अटको है अभी तक? क्यों बार बार मैं इस दुविधा में पड़ जाती हूँ कि कान्हा को एक भक्त के जैसे देखूं या मैया के जैसे? ऐसा इसीलिए है मैया, क्योंकि ना तो आपकी भक्ति में कोई कमी है और ना ही ममता में। तो फिर ठीक है, आज हम यही रात बिताएंगे, सब लोग विश्राम करिए। जय उल्लाबाद। रात वन में भयभीत क्यों हो रहे हो बसंता? श्री नारायण का अवतार कान्हा है ना हमारे साथ? लगता है कोई मैया को भूलने ही नहीं देगा कि मैं नारायण का अवतार हूँ।
तुम्हें पूर्ण विश्वास है ना गुप्तचर? ये सब कुछ उसी बालक ने किया है। उसी ने कालिया को पराजित करके यहां से दूर भेज दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। और वृंदावन के सभी वासी इस समय वन में विश्राम कर रहे हैं, ये सूचना पक्की है? वो सब पूरी रात वन में ही बिताएंगे महाराज। मेरी रातों की नींद छीन कर वो वन में आनंद कर रहे हैं। किंतु मैं उनके इसी आनंद को मृत्यु के करुण रूतन में बदल दूंगा, उनके चारों ओर प्रकाश होगा सूर्य की चमक जैसा, आंखें चौंधिया देने वाला प्रकाश। किंतु फिर भी ये रात उनके लिए सबसे अधिक काली होगी, क्योंकि मैं इस पूर्णिमा की रात को अमावस्या की रात बना दूंगा, कभी न समाप्त होने वाली अमावस्या। भाभी देखो, वन देवी प्रसाद के लिए जे केले लाई हूं मैं। हाँ दिखा तो, इसमें से पक्के केले काना के लिए चुन लेती हूँ। पर वो तो नारायण का अवतार है, उसके लिए फल कैसे चुनू मैं? जो उसके हाथ में आएगा अपने आप ही मीठा हो जाएगा। भाभी क्या होगा, रुकियो गई कछु ना, दिखा। कान्हा तुझे भूख लगी आई होगी ना? मैया खिलाओ ना। अच्छा ले। मैया के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। कान्हा, बंसी काका हम सबको वन में आग जलाना सिखा रहे हैं, ताकि भयानक पशु को दूर करा जा सके। मैया मैं जाऊं? मैया अग्नि जलाने जाऊं? हाँ जा। मैया तो चुपचाप जाने दे रही है, पहले जैसे चिंता भी नहीं कर रही है अब। लल्ला सुन, अग्नि के साथ खेलियो मती और सुरक्षित दूरी बना के रखियो, समझ आई? We'll be right back.
प्रकट करो दावानल। प्रणाम महाराज। महाराज कंस, इस कारागार से मुक्त करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, इस उपकार का ऋण कैसे चुकाऊं? बस वही करो दावानल, जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। अपने नाम को स्वयं सार्थक करो। जला दो, पूरे वृंदावन को जला दो। कीट, पशु, पक्षी, वनस्पतियां, वृक्ष, यहां तक के मानव भी, कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं बचना चाहिए। जला दो सबको, सबको। आपकी आज्ञा ही मेरी इच्छा है और आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा। तुम सबने देखो अजय, अधिक कठिन ना है ये। दो पत्थर हाथ में पकड़ ले, ऐसे रगड़ लो, है चिंगारी निकलेगी, घास फूस अग्नि पकड़ेगी और भक्क से जल जाएगो। लो करो, लो सुबल। तू भी प्रयास करके देख ले। पर जितना सरल जय कह रहे थे उतना सरल ला है अग्नि जलाना। ये तो श्री नारायण का अवतार है। संसार की सारी अग्नि इसके नियंत्रण में है, तो फिर एक चिंगारी उत्पन्न करना कौन सी बड़ी बात है। ऐसे तो मैया मुझे धीरे धीरे अपना लल्ला मानना ही भूल जाएगी। ये उचित नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। कान्हा ऐसे मत करो, लग जाएगी। कान्हा संभाल के, ध्यान कहाँ है तेरो? कालिया नाक का हलाहल जैसा विष जिसका कछु ना बिगाड़ पाई, जिस साधारण सी अग्नि उसे हानि कैसे पहुंचा पाएगी। मेरी ममता बार बार चिंता करने पे विवश कर देती है मुझे। भूल जाती हूँ मैं कि चे तो श्री नारायण का अवतार है। यही तो मैं चाहता हूँ मैया। आ मैया! कान्हा, कान्हा, देखा देखा कहाँ लगी? हाँ, बोला था ना अग्नि से दूर रहने, दिखा। चले का चिन्ह ना है। मेरे साथ खेल खेल रहा है जे, इसे पता है कि इसकी पुकार सुनते ही मैया ऐसे ही दौड़ी चली आएगी। मुझे नटखटपना बंद कर काना। यशोदा आ जाओ, कान्हा को भी बुला लो। आपको तो पहले से पता था ना कान्हा के बारे में? वो
यशोदा काना ने मुझसे वचन लिया। ना ना, मैं आपको ताना ना दे रही, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप अपने आप को कैसे समझा पाते हो जानते हुए भी कि वो श्री नारायण का अवतार है, आप उसके साथ सामान्य व्यवहार कैसे कर पाते हो? क्योंकि मैं भी अपने लल्ला के साथ सामान्य व्यवहार ही करना चाहती हूँ, उसे वैसे ही देखना चाहती हूँ, उसके साथ लाड करना चाहती हूँ, उसे डांटना चाहती हूँ, फटकारना चाहती हूँ, पर मुझे बार बार उसमें मेरे प्रभु दिखने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है यशोदा, पर जब मैं ये स्वीकार कर लेता हूं कि जो हमारा लल्ला है तो मैं भूल जाता हूं कि जय श्री नारायण का अवतार भी, उसके बाद सांसारिक माया मुझे अपने अंदर जकड़ लेती है। यशोदा, तुम्हारे साथ भी कछु ऐसा ही होगा, संसार की मोह माया तुम्हें खुद में जकड़ लेगी और तुम जब भूल जाओगी कि भगवान का अवतार, सच्ची कहूं तो मैया की ममता के आगे कोई भी माया ना टिक सकती। सबसे बड़ी होती है एक मैया की ममता। पर भक्ति का भाव भी कम प्रबल ना हो तो है जी? मेरे हृदय में ममता और भक्ति के बीच युद्ध चल रहा है, मुझे ना पता कौन सा भाव जीते को और कौन सा हारे को। इसका अर्थ है कि मुझे कुछ भी ऐसा करने से स्वयं को रोकना होगा जिससे मैया के मन में भक्ति का भाव प्रबल होकर हिंसा से जीत जाए। तो फिर ध्यान रखना काना, अब सबके सामने कोई लीला मत कर देना तुम। वो देखो, वो वहां बैठे हैं सब कोने में। किसी भी कोने में क्यों ना छिपा हो, आज तो जलेगा पूरा वृंदावन ही। मुझे फैला दो यहां और फिर जाओ, महाराज कंस को सूचना दो कि उनका कार्य हो गया है। महाराज का आदेश स्मरण है ना, वृंदावन का कोई भी आदमी आज जीवित नहीं रहना चाहिए। अग्नि को जलाना मत सिखाओ, जाओ मुझे अपना कार्य करने दो। नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। क्या हुआ काना? मैंने आपको कहा था ना कि मैं कोई लीला ना करूं, पर देखो कंस वर्मा ने असुर वृंदावन को भेज दिया है। दावानल अर्थात वनकी अग्नि, अब क्या करोगे तुम? वही जो मैं बताऊँ, क्या क्या सबके सामने ही ऐसा कछु ना करूंगा जो लीला लगे, पर सबकी दृष्टि से छुपकर तो कछु करना होगा दाव, इससे पहले कि ये दावानल पूरे वृंदावन को लील जाए। पर काना, करने क्या वालों है? मैया बात हमको सुला दो ना। आजा। लोरी गाओ ना मैया।
सब जन आगे बंद कर लो, मैया लोरी सुना रही है। तो ये है तुम्हारी योजना।